इंडेप चैनल के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर समस्या पर बातचीत करने वाले हैं, इसलिए आप सभी के लिए ज़रूरी है कि वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, और यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। हमारे वो सभी साथी जिन्हें सुनने से संबंधित समस्याएँ हैं उनकी सुविधा के लिए इस वीडियो को सब टाइटल्स के साथ तैयार किया गया है। साथ ही यदि आप इस पूरे लेक्चर और इन्फॉर्मेशन की PDF फाइल हिंदी या इंग्लिश में चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई इंस्टाग्राम लिंक पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज भेजकर इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में अपनी PDF फाइल को फ्री ले सकते हैं, जो 1 वीक के अंदर आपको सेंड कर दी जाएगी। इस वीडियो में सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस या SSNHL या अचानक होने वाला बहरापन या सुनने की शक्ति में कमी के ट्रीटमेंट की बिल्कुल लेटेस्ट मेथड को बताया गया है, जिसके लिए आपको अलग से ना कोई गोली दवा लेनी है और ना ही किसी सर्जरी या महंगे और परेशानी भरे ऑपरेशन की ज़रूरत है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि ये ट्रीटमेंट और ये टेक्नोलॉजी भारत के कई शहरों में उपलब्ध भी है और लगभग सभी लोग इसे अफोर्ड भी कर सकते हैं। SSNHL के साथ ही हम इस वीडियो में कान की नस सूखने के प्रॉपर मैनेजमेंट पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और समझें। SSNHL और कान की नस के उपचार के बारे में जानने से पहले हम बहुत ही सरल शब्दों में यह जानते हैं कि कान की नस क्या होती है और क्यों डॉक्टर भी इसका इलाज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले जानते हैं कि डीफनेस या सुनने की शक्ति में कमी किन कारणों से हो सकती है। किसी भी तरह की डीफनेस के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला कंडक्टिव, जिसमें आउटर और मिडिल ईयर शामिल रहते हैं। दूसरा सेंसरी न्यूरल, जिसमें इनर ईयर और ब्रेन के वो हिस्से शामिल रहते हैं जो साउंड को प्रोसेस करते हैं। और तीसरा इन दोनों यानी कंडक्टिव और सेंसरी न्यूरल का कॉम्बिनेशन। इनमें से कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के कारण होने वाली सुनने की शक्ति में कमी को दवाइयों, प्रिकॉशन, देखभाल या सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्फेक्शन, लाउड नॉइज में एक्सपोजर, कान के पर्दे या इनर ईयर की हड्डियों में किसी भी समस्या या किसी दवा के साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकती हैं। इन कारणों से यदि किसी के सुनने की शक्ति में कमी आई है या यह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है तो इन कारणों के दूर होते ही हेयरिंग रिस्टोर हो सकती है और सुनने की शक्ति कम्प्लीटली या पार्शियली वापस आ जाती है। लेकिन यदि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हुआ है तो इसका उपचार करना कठिन होता है। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस की स्थिति में या तो कॉकलिया या ऑडिटरी नर्व्स या दिमाग का वो हिस्सा शामिल रहता है जो साउंड को प्रोसेस करता है। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस का कारण कुछ भी हो सकता है या बिना किसी कारण के भी यह कंडीशन पैदा हो सकती है, इसलिए हम इसके कारणों की गहराई में नहीं जाएंगे। हम केवल यह मानकर चलेंगे कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हुआ है और उसे हमें किसी भी तरह से रिस्टोर करना है। वैसे भी ये वीडियो ट्रीटमेंट मेथड पर ही फोकस्ड है। तो देखिए, यदि कॉकलिया में किसी भी कारण से कोई खराबी आई है तो ज़्यादातर मामलों में यह खराबी इसके हेयरिंग फाइबर्स में ही आती है। किसी भी कारण से जब ये हेयरिंग फाइबर्स डैमेज होते हैं तो ये साउंड को ठीक तरह से प्रोसेस नहीं कर पाते, और जब साउंड खराब हो चुके इन हेयरिंग फाइबर से टकराता है तो इनमें उस तरह से वाइब्रेशन नहीं होता जिस तरह से होना चाहिए। यही खराब वाइब्रेशन बाद में खराब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, और यह खराब सिग्नल ऑडिटरी नर्व या कान की नसों द्वारा जब दिमाग तक भेजे जाते हैं तो यह साउंड हमें उसी तरह सुनाई देता है जैसे मोबाइल का नेटवर्क खराब होने पर सामने वाले की आवाज़ सुनाई देती है, यानी डिस्टॉर्टेड साउंड या कभी कभी साउंड सुनाई ही नहीं देता। तो ये थी कॉकलिया में खराबी के बारे में थोड़ी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अब मान लेते हैं कि कॉकलिया तो बिल्कुल ठीक है लेकिन ऑडिटरी नर्व जिसे कान की नस कहते हैं वही खराब हो चुकी है। फिर से हम इसके किसी कारण पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इंडेप चैनल के सीरीज ऑफ ENT स्पेशल एपिसोड्स में इन पर कई बार चर्चा की जा चुकी है, आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी की कान की नस किसी भी कारण से खराब हो चुकी है, सूख चुकी है, इसमें फ्लूइड का रिसाव हो रहा है, इसमें टिनिटस और कान का दर्द हो रहा है या सुनने की शक्ति में लगातार गिरावट आ रही है। कहने का मतलब यह है कि इससे किसी भी तरह की समस्या पैदा हो रही है। तो कान की नस की यह खराबी मुख्य रूप से पोषण से संबंधित, किसी इन्फ्लेमेशन से संबंधित या किसी डैमेज से संबंधित हो सकती है। आपने घरों की इलेक्ट्रिक वायरिंग तो देखी होगी, यह कुछ कुछ वैसी ही होती है। वायरिंग जल जाने पर, टूट जाने पर यह वायरिंग करंट के फ्लो को नहीं कर पाती। ठीक उसी तरह ये नसें भी प्रॉपरली साउंड फ्लो नहीं कर पाती और घर की वायरिंग की तरह इन्हें भी सुधार और मरम्मत की ज़रूरत होती है। तो सुनने की शक्ति में कमी के ये 2 मुख्य कारण थे जिनका उपचार करना बहुत ही कठिन होता है, और ज़्यादातर डॉक्टर भी यह कहते हुए अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि आपके कान की नस सूख चुकी है और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर या समझकर मरीज को जो निराशा होती है उसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता।
और इसी निराशा को दूर करने के लिए इनडेप चैनल नई नई जानकारियों और रिसर्च को आपके सामने लाता है। कान से संबंधित समस्याओं के सभी रोगी याद रखें, आने वाले कुछ ही सालों में हम कान की लगभग 99% समस्याओं का हल खोज चुके होंगे, खासकर कम सुनाई देने या सुनने की शक्ति के पूरी तरह खो जाने का। आप सभी ये याद रखें कि आने वाला फ्यूचर लाउड एंड क्लियर है और आने वाले समय में कान की ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी जिसे ठीक ना किया जा सके। इसलिए अब हम बहुत ही शॉर्ट में सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस को समझ लेते हैं, ताकि इसके नई ट्रीटमेंट मेथड को भी समझने में हमें आसानी हो। तो ऐसे SNHL अचानक होने वाला हेयरिंग लॉस है जो किसी भी कारण से हो सकता है। इसमें बहुत ही कम समय में एक कान या दोनों कानों को सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। लगभग 98% लोगों को यह एक कान में ही होता है और 2% लोगों को यह दोनों कानों में हो सकता है। इन्हें यूनिलेटरल और बाइलेटरल हेयरिंग लॉस या डीफनेस कहा जाता है। इसके लक्षण हैं एक या दोनों कानों के सुनने की शक्ति में अचानक कमी, कानों में रिंगिंग की आवाज़ आना यानी टिनिटस, चक्कर आना यानी वर्टिगो, बैलेंस बनाने में कठिनाई होना और मोशन सिकनेस होना यानी कार, बस, ट्रेन, टू व्हीलर या एरोप्लेन में बैठने पर तबीयत खराब लगना और मितली आना। ऐसे SNHL के कारण और रिस्क फैक्टर, तो देखिए ऐसे SNHL का कोई सटीक कारण ज्ञात नहीं है। कोई भी एग्जैक्टली यह नहीं बता सकता कि ऐसे SNHL इस कारण से हुआ है या किसी दूसरे कारण से हुआ है। केवल 10-12% मामलों में ही इन्फेक्शन या संक्रमण से होने वाले ऐसे SNHL की पहचान की जा सकती है, लेकिन केवल अपनी जानकारी के लिए हम इसके कुछ कारणों को जान लेते हैं। देखिए ऐसे SNHL आपकी अपनी इम्यूनिटी के कारण भी हो सकता है, जिन्हें ऑटो इम्यून रोग कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की अपनी इम्यूनिटी ही इस रोग का कारण बन जाती है, जैसे कि कोगन सिंड्रोम या ल्यूपस या इनर ईयर का कोई दूसरा रोग, या फिर यह किसी इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, जैसे मेनिनजाइटिस, HIV, मम्स या सिफिलिस, या फिर यह वैस्कुलर डिसऑर्डर जैसे हार्ट बाईपास, स्ट्रोक या सिकल सेल डिसीज के कारण भी हो सकता है, या यह कानों के रोग जैसे ऑटोस्क्लेरोसिस से भी हो सकता है, या यह किसी ट्रॉमा से भी हो सकता है, जैसे कोई व्यक्ति दांत निकलवाने गया है तो उसको किसी तरह का ट्रॉमा हुआ है तो भी ये रोग हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति को इनर ईयर में चोट लगी है तो भी ये हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति हवाई यात्रा कर रहा है जिसके दौरान एयर प्रेशर में चेंज आता है तो भी ये हो सकता है, या फिर किसी डायबिटीज़ या थायराइड के रोगी को भी ये हो सकता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो यदि किसी को ऐसे SNHL की समस्या है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आमतौर पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही होते हैं। ये दवाइयाँ इन्फ्लेमेशन को कम कर देती हैं। वैसे भी कई अध्ययनों से यह पता चला है कि स्टेरॉइड को यदि सीधे ही मिडल ईयर में इंजेक्ट किया जाए तो ये SNHL के उपचार का प्रभावी तरीका होता है। इसके अलावा यदि किसी को SNHL की समस्या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण है तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दे सकता है। यदि यह समस्या आपकी मिडिल ईयर में खराबी के कारण है तो डॉक्टर आपको सर्जरी रिकमेंड कर सकता है। यहाँ हमारा मतलब यह है कि यदि SNHL का कारण का पता चल जाता है तो डॉक्टर उसके अनुसार ही व्यक्ति का ट्रीटमेंट जारी कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से अज्ञात कारणों से होने वाले SNHL की संख्या भी बहुत अधिक है। जैसे यदि किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी ही उसके कॉकलिया या ऑडिटरी नर्व को ख़राब कर रही है तो ऐसे में उस व्यक्ति को इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कभी कभी अनुभवी डॉक्टर भी इस कारण को इग्नोर कर देते हैं और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर केवल उसकी सामान्य जाँच करता है, जैसे कि ऑटोस्कोपी और ऑडियोग्राम वगैरह, और इसके बाद कह देता है कि आपके कान की नस सूख चुकी है। देखा जाए तो ज़्यादातर मामलों में जांच पूरी की ही नहीं जाती और इम्यूनिटी जैसे कारणों को ज़्यादातर मामलों में छोड़ दिया जाता है, और इसके अलावा जानकारी के अभाव में मरीज भी यह मानकर वापस चला आता है कि अब कान की नस सूख चुकी है और डॉक्टर भी इसे कंफर्म कर चुका है तो अब क्या ही किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आप इनडेप चैनल के व्यूअर हैं, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको हर वो संभव कारण और उपचार की विधियाँ बताएँ जो आपकी समस्या को दूर कर सके। तो फाइनली SNHL और कान की नस सूखने की समस्या के ट्रीटमेंट की लेटेस्ट मेथड के बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ मेडिकल फैक्ट्स बताना चाहूँगा जिन्हें सुनना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, कॉकलिया हो या ऑडिटरी नर्व हो या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो या चाहे दिमाग हो या शरीर का कोई दूसरा अंग हो, सभी को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए दो बहुत ही एसेंशियल चीज़ें चाहिए। पहली ऑक्सीजन और दूसरी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बात सभी जानते हैं। साथ ही सब यह भी जानते हैं कि हमारा ब्लड यानी खून ही शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई करता है, फिर चाहे वो बाल हो, नाखून हो, दांत हो, जहाँ ब्लड होता तो नहीं है
लेकिन इनकी जड़ों को पोषण ब्लड से ही मिलता है। क्या आप जानते हैं कि कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व्स शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिनकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की डिमांड बहुत ही हाई है, और ऑक्सीजन की कमी से इनको उसी तरह डैमेज पहुंचता है जिस तरह दिल को। याद रखिए कि दिल की तरह आपके कान भी सातों दिन और 24 घंटे काम करते हैं, आपके सोने के बाद भी। जब दिल तक ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच पाता है तो व्यक्ति का दिल खराब होने लगता है, दिल की बीमारियां होती हैं और फाइनली हार्ट अटैक हो जाता है। इसी तरह जब कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व्स तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं तो पहले कान की छोटी मोटी समस्याएं सामने आती हैं और उसके बाद वर्स्ट केस में सुनने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी का सबसे अच्छा और तुरंत पता चलने वाला उदाहरण है एयर ट्रेवल या अंडर वाटर डाइविंग। आप इनके बारे में जानते ही होंगे, इसलिए यहाँ केवल इतना जानना ज़रूरी है कि कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व्स या कान की नस के लिए ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर थेरेपी। इस थेरेपी में मरीज को एक प्रेशराइज चैम्बर में कुछ समय के लिए बैठाया जाता है जिसमें 100% ऑक्सीजन भरी होती है। इनडेप्थ चैनल के पास इस ट्रीटमेंट मेथड के रिसर्च और रिजल्ट का पूरा डेटा है, लेकिन भारत के अलग अलग अस्पतालों में इस ट्रीटमेंट की पर सिटिंग की लागत कितनी आती है यह हमें एक दो दिन में पता चल जाएगा, और जैसे ही हमारे पास ये डेटा भी आता है हम तुरंत ही आपको वीडियो के माध्यम से इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है इसलिए हमें इसे यहाँ समाप्त करना होगा, लेकिन ये वीडियो आगे आने वाले वीडियो के लिए एक बेस का काम करेगा जो 2 या 3 दिनों में ही इनडेप्थ चैनल आपके लिए लाने वाला है। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही इस वीडियो के लेक्चर की हिंदी या इंग्लिश में PDF कॉपी के लिए आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो 2 या 3 दिनों में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर थेरेपी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।